प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री एक अध्याय उसका 3 और 4 पद। एफिसियों का पत्री एक अध्याय उसका 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम लोग तीसरा पद में हम लोग देख रहे थे कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दिया है। हम आशीष पाए हुए लोग हैं, हम विश्वासी लोग मसीह में। हम लोग धनी है और हमें मिला हुआ उस आत्मिक धन के बारे में हम लोग पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे और पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि उसका 4 से 14 पद तक और उधर का विषय है परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में है और उसमें पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग देख सकता है। पुत्र परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग देख सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है वो विषय भी हम लोग उसमें हम लोग देख सकता है। पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग 4 से 6 पद तक हम लोग देख सकते हैं। एक अध्याय 4 से 6 पद तक और वहाँ हम लोग देख सकता है कि पिता परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला और उसमें से पहला आशीष के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग एक साथ मनन कर रहे थे और वो आशीष उसका 4th पद में हम लोग आज पढ़ा है कि हमें चुन लिया है। परमेश्वर हमें चुना है और हमें कब चुना है वो भी हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे कि जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि हमें चुनने का कारण क्या है, अर्थात हमें परमेश्वर चुनने के पीछे परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है वो हम लोग देखेंगे। वो हम लोग इधर इससे 4 पद में हम लोग वो बात भी हम लोग देख सकता है। 4 पद हम ऐसे पढ़ता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम पवित्र और निर्दोष होकर रहने के लिए हमें परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष होकर रहने के लिए। हम बहुत बार इस बात में गमन करता है कि परमेश्वर हमें चुना, हम चुने हुए लोग हैं, वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर मुझे चुना है, इस बात में हम लोग बहुत गौर करता है। लेकिन काफ़ी बार हम इसके ऊपर विचार नहीं करते क्यों परमेश्वर मुझे चुना है। हमें चुनने के पीछे परमेश्वर का एक इच्छा होता है। परमेश्वर जो भी काम करता है वो बिना मतलब कुछ भी नहीं करता है। सबका पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है और परमेश्वर का हर एक कार्य के पीछे परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए। इसलिए हमें चुनने का पीछे भी, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमें चुना है तो हमें चुनने का पीछे भी परमेश्वर का
एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम में हम एक पवित्र जीवन हम लोग जीना है। पवित्रता के विषय में हम लोग इधर दो शब्द हम लोग देख सकता है, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम लोग पवित्र हो, और परमेश्वर का उद्देश्य ये भी है कि हम निर्दोष हो। पवित्रता का दो बात हम लोग इसमें देख सकता है, पहला जो है वो है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन और दूसरा है प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन, अर्थात स्थानीय पवित्रीकरण और व्यक्तिगत पवित्रीकरण या व्यवहारिक जीवन में जो पवित्रीकरण। पहले शब्द का मतलब यह है कि हम लोग उसके निकट प्रेम में पवित्र हो, उसका मतलब है कि हम जो स्थानीय तौर पे परमेश्वर हमें पवित्र किया है। हम पापी लोग थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किया, और हम जब विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा हर एक पाप के लिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, परमेश्वर क्या किया है, मेरा सब पाप क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा हर एक जो पाप है उसका क्षमा हमें मिला है, मतलब हमें पवित्र बनाया है, और उसके लिए हम लोग कुछ भी काम नहीं किया, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है, हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर सब कुछ किया है। और हमें चुनने का पीछे परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम लोग पवित्र हो, और हमें पवित्र बनाने का काम वो परमेश्वर ने किया है। हम पवित्र है, स्थानीय तौर पर हर एक विश्वासी लोग वो पवित्र है। लेकिन दूसरा जो शब्द है, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम निर्दोष होना है, यह जो है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में होने वाला जो पवित्रता। हम स्थानीय तौर पर हम लोग पवित्र है, लेकिन उस पवित्रता हमारा जीवन भर हम लोग उसको बनाए रखना चाहिए, उस पवित्रता हमारा जीवन में प्रकट होना चाहिए। इफिसियों का पत्री 5:27 पद में भी हम लोग ये बात हम लोग देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ क्या करता है, हम लोग उधर ऐसे पढ़ता है, और उसे एक ऐसी तेजसी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष ये दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब हमें परमेश्वर में पवित्र बनाया, और उस पवित्रता में हम लोग चलना ये हमारा कर्तव्य है। फिलिपियों का पत्री 2:15 हम लोग इसके संबंध में पढ़ेंगे, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वजन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हम लोग इधर देख सकता है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ये जो पवित्रता जी का जीवन जो है हमारा पूरा जीवन में वो प्रकट होना चाहिए, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्रस का पत्री में हम देख सकता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी तुम्हारा सारा चाल चलन में पवित्र बनना है, ये हमारा जिम्मेवारी है। पवित्रता में चलने के लिए जरूर परमेश्वर हमें मदद करता है, लेकिन ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम उस पवित्रता को हमारे जीवन में उसमें हम लोग बने रहना। पत्रस का दूसरा पत्री 3:14 में ऐसे पढ़ता है, इसलिए ए भाई, ए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो
यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए यत्न करना बोलकर हम लोग इधर देख सकता है, मतलब पूरा शक्ति के साथ, पूरा क्षमता के साथ हम लोग उसके लिए प्रयत्न करना या कोशिश करना है। प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया है। ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य के विषय है। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारे जैसे तुच्छ लोगों को परमेश्वर चुना, तो भी जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। लेकिन वो चुनने के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को हम लोग समझना है और उस उद्देश्य को हमारा जीवन में पूरा करना है। और वो उद्देश्य है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। एक पवित्र और निर्दोष जीवन इस दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।